माय गॉड बीटीएस आर्मी, किसने ये सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल किम तो योंग और जैनी की डेटिंग की खबरों के बाद हमें वी की डेटिंग को लेकर इस तरह की खबरें भी कभी देखने को मिलेंगी। वैसे तो केपॉप में बीटीएस प्लस लड़की इक्वल्स टू डेटिंग होता है और आए दिन बीटीएस की डेटिंग की रिलेशनशिप की खबरें आती भी रहती हैं। स्पेशली बीटीएस मेंबर जंगकुक और किम तो योंग इस डेटिंग के घेरे में हर वक्त फंसे ही रहते हैं, लेकिन किसने ही सोचा था कि इस तरह सोशल मीडिया पर वी की डेटिंग की खबर किसी और केपॉप आइडल के साथ इस तरह वायरल होगी। अगर आप अभी नहीं समझे हैं कि ये सारा माजरा क्या है तो मैं आपको बता दूं, कल से सोशल मीडिया पर बीटीएस मेंबर वी और एक और पॉपुलर केपॉप आइडल 17 के मेंबर हैं यानी चाउनवू, उनकी डेटिंग की खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब से चाउनवू ने इंस्टाग्राम पर कुछ शेयर किया है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, चाउनवू भी वी की तरह ही एक केपॉप आइडल हैं जो जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड भी माने जाते हैं। जंगकुक के साथ उन्हें कई बार देखा गया है और अब वी और चाउनवू को लेकर ये विचित्र सी खबर आ रही है कि वी किसी और को नहीं बल्कि चाउनवू को डेट कर रहे हैं। इसे सुनने के बाद सभी हैरान हैं और ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है हाल ही में चाउनवू के इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो वी की तरह ही इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और हाल ही में चाउनवू ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की थी। फोटोज में एक फ़ोटो ऐसा था जो हूबहू किम तो योंग की तरह था, और जब फैंस ने पता लगाया तब पता चला कि वी कुछ महीने पहले जापान के टोक्यो गए थे, जहां ये फेमस गार्डन है मिरर वाला, यहीं पर जैनी की भी एक फ़ोटो वायरल हुई थी। और अब चाउनवू भी कुछ ऐसी ही फ़ोटो शेयर करते हैं, साथ ही साथ उनकी डीपी भी किम तो योंग की तरह लग रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने फालतू की शिपिंग स्टार्ट कर दी कि वी और चाउनवू के बीच कोई कनेक्शन है, क्या वो डेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग खुद सोचो कि जो लोग भी ताजमहल पर, ईफिल टावर पर या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स पर गए हैं, फोटो क्लिक किया है, शेयर किया है, वो सभी आपस में डेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसी तरह टोक्यो की ये बहुत फेमस जगह है जहाँ ये केपॉप आइडल्स जाते हैं, तो सेम लोकेशन पर फोटो डालने से इनकी डेटिंग साबित नहीं होती। ये एकदम रिडिक्यूलस खबर है। बाकी हर दिन नल्ले शिपर्स की बढ़ रही इन प्रेम कहानियों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।